फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरी रिकॉर्ड वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे स्मार्टफोन के बारे में, मतलब कि इस स्मार्टफोन की प्राइस और फीचर्स जानकर आप लोग दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ये हमको मिला है 5000 से भी नीचे की कीमत में। मतलब कि मेरा एक फ्रेंड है तो उसको मैंने सजेस्ट किया था, तो यहाँ पर हमें ऑफर्स लगाकर ये जो स्मार्टफोन है ये 5000 से भी नीचे की कीमत में मिला है। तो इसकी वजह से ही ये स्मार्टफोन है ये एक स्पेशल स्मार्टफोन बन जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है ये है मोटोरोला का मोटो G32। तो आपको इसकी सारी की सारी डिटेल्स में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरा का पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारी की सारी डिटेल्स इसके बारे में पता चल जाए। तो शुरू कर लेते हैं मोटो G32 की अनबॉक्सिंग को। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉक्स पर ही लिखा हुआ है मोटो G32 और इसका लोगो है। और यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप कलर को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सैटिन सिल्वर, तो ये सिल्वर कलर का होने वाला है स्मार्टफोन। और यहाँ पर थोड़ा उल्टा सा उन्होंने अप्रोच अपनाया है कि यहाँ पर फ़ोन जो है यहाँ पर पीछे की तरफ हमें दिखा है, और यहाँ पर 90Hz की फुल HD+ डिस्प्ले का यहाँ पर जिक्र है और 5000mAh की बैटरी। तो इसको हम पहले तो खोल लेते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स को खोलते ही यहाँ पर पहले ही हमारे पास स्मार्टफोन आ जाता है। और इसके अलावा इसमें आपको दूसरी सारी जो चीज़ें हैं तो उनमें आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर ये पेपर होने वाला और यहाँ पर ये सिम इजेक्टर टूल होने वाला है। और इसी के अलावा यहाँ पर सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर 33W का ये फास्ट चार्जर, जो कि यहाँ पर काफ़ी ही नया डिज़ाइन यहाँ पर ये लग रहा है। और यहाँ पर टाइप सी केबल आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्टफोन को यहाँ पर डेढ़ घंटे से पहले मतलब कि शायद से 1 hour 20 minutes के अंदर चार्ज करने वाला है। तो अब चले जाते हैं इस फ़ोन की सारी डिटेल्स पर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक्रेलिक ग्लास वाली फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर मेटालिक आपको लगेगी, लेकिन ये यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है। और यहाँ पर जो ये फ्रेम है कैमरा की वो है यहाँ पर मेटल की। और इसके अलावा इसके साइड में आपको पावर बटन और यहाँ पर ये वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं, और जो फिंगरप्रिंट है वो आपको पावर बटन में ही देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आने वाले हैं। और यहाँ पर आपको हेडफोन जैक और एक माइक, और ऊपर की तरफ भी दूसरा एक माइक आपको देखने को मिल जाता है। पर सिम कार्ड में आपको यहाँ पर 2 SIM कार्ड और 1 memory card का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप इतने इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड में आपको 1 TB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये रेड रबर बैंड अगर आप देखें तो ये जो है ये IP रेटिंग के लिए है, मतलब कि ये जो फोन है ये IP रेटिंग भी डिजर्व करता है। तो यहाँ पर इसको IP रेटिंग दी है कंपनी ने, कि पानी के छोटे मोटे छींटे जो होते हैं वो अगर छू जाते हैं इसको तो यहाँ पर इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूअल नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसके बाजू की जो ये ग्रिल है तो वो भी यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलने वाली है। अब चले जाते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वो है 6.55 इंचेस की फुल HD+ यहाँ पर IPS डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसमें आपको सेंट्रल पंच होल देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ये जो कैमरा है वो पंच होल में आने वाला है। तो यहाँ पर डिस्प्ले आपका जो मीडिया कंजप्शन जो हो जाता है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर होने वाला है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो व्यूइंग एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये एक LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसकी जो एडेप्टिवनेस है जो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये काफ़ी एक्यूरेट कलर्स यहाँ पर ये पास कर सकता है, तो इसकी वजह से ये जो स्मार्टफोन है ये आपका मीडिया कंजम्पशन तो बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाला है। यहाँ पर इसका व्यूइंग एंगल भी अगर आप देखें तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो स्मार्टफोन है ये कलर्स को ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर मोटोरोला की खासियत रही है कि वो लोग यहाँ पर डाउनग्रेड डिस्प्ले में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो डिस्प्ले में अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 600 nits की ब्राइटनेस
ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इसकी आउटर विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। और यहाँ पर अगर हम इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 180 हर्ट्ज का आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस जो आपका है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर ये डिफॉल्ट यहाँ पर 60 हर्ट्ज पर काम करता है, लेकिन आप इसको 90 हर्ट्ज तक यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 के कंपेटेबल मानी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो नॉच आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर कम देखने को मिल जाती है इस बजट के हिसाब से, मतलब कि 12,000 में ऐसा मैंने आज तक कोई फोन देखा नहीं है कि जिसकी नॉच इतनी पतली हो सकती है। और अब यहाँ पर इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये एंड्रॉयड 12 के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी ही कम यहाँ पर फोन्स आते हैं जो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 के साथ देखने को मिल जाता है। और एंड्रॉयड 12 का मतलब ये है कि ये आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिल जाता है। हालांकि कुछ ऐप्स थी जो कि मोटोरोला की प्री इंस्टॉल थी, मोटोरोला गेम्स और काफ़ी सारी थोड़ी 3-4 यहाँ पर आपको ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप आसानी से यहाँ पर आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर एंड्रॉयड 12 की वजह से ही आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर है इसका जो UI है वो तो यहाँ पर काफ़ी इजी है ही, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको Android 12 के ही अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको Motorola के यहाँ पर जो है उसका एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फीचर्स इंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो एक यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर एक कराटे चॉप वाला यहाँ पर फीचर है कि आप कराटे चॉप मारोगे तो यहाँ पर ये फ्लैश ऑन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैं ये मार रहा हूँ कराटे चॉप तो ये फ्लैश ऑन हो जा रहा है, और यहाँ पर इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर ये ऑफ हो जाता है। ऐसे कई सारे फीचर्स है कि आप स्माइल करोगे और आपके फोटोज़ यहाँ पर क्लिक हो जाते हैं, और काफ़ी सारे फीचर्स है जिनको आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स होते हैं ये आपको सिर्फ स्टॉक एंड्रॉयड में ही मिल सकते हैं, और यहाँ पर मोटोरोला इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसकी अगर हम एंड्रॉयड अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक साल का यहाँ पर OS अपडेट देखने को मिलने वाला है, और 3 साल का आपको इसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हमने इसके स्पीकर्स को के बारे में तो जान ही लिया है, तो इसकी साउंड क्वालिटी को भी हम चेक कर लेते हैं। सारी रात आहे भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। अब यहाँ पर इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफी स्टेबल प्रोसेसर है, जिसमें कि आप आराम से जंक्शन इम्पैक्ट और यहाँ तक कि VGMI भी आप इसमें अल्ट्रा पर भी सेट करके खेल सकते हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में तो ये यहाँ पर बैलेंस तक ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़े अपडेट्स आने बाकी हैं, तो जैसे ही अपडेट्स यहाँ पर पुश हो जाते हैं तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है वो यहाँ पर आपको अल्ट्रा तक पबजी खेलने का मौका दे सकता है। हालांकि जेंसन इम्पैक्ट जैसी हाई ग्राफिक्स गेम भी इसमें चल जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके प्रोसेसर की कैपेबिलिटी पे हम कोई शक नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो आपको स्टोरेज जो देखने को मिल जाता है वो है यहाँ पर UMCP, जो कि UFS 2.1 के यहाँ पर कंपेरिजन में आता है। और यहाँ पर आपको रैम जो देखने को मिलने वाली है वो है LPDDR4X, जो कि LPDDR4X देखने को मिलने वाली है, जो कि 8GB की रैम है। और यहाँ पर आप इसमें काफ़ी सारे मोड्स भी आप देख सकते हैं कि गेमिंग मोड यहाँ पर आपको डेडिकेटेडली यहाँ पर दिया गया है। और इसी के अलावा यहाँ पर आपको अगर देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं कि जिससे आप अपना यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके कैमराज की बात करें तो कैमरा में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसर दोनों ही इसी में देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कैमरा ऐप में आपको काफी सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप मैक्रो में डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप 8x तक जूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2x तक ही इसमें जूम करें। और यहाँ पर आपको प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड और काफी सारे अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं। वीडियो में आपको स्लो मोशन का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसी के अलावा आप इसमें
काफ़ी सारे फीचर्स का भी लुफ्त उठा सकते हैं जो कि इसमें है। यहाँ पर स्प्लिट कलर है, नाइट विजन है, पैरानोमा है, ग्रुप सेल्फी है, और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल पर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्यूअल कैप्चर मतलब कि आप रियर का और फ्रंट का दोनों यहाँ पर कैमरा यूज़ कर सकते हैं, और ड्यूअल कैप्चर आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाता है और फोटोज़ में भी देखने को मिल जाता है। इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्पॉट कलर। तो स्पॉट कलर जो है वो उसके लिए है कि जिसमें आप कोई भी एक कलर को स्पॉट कर सकते हैं और बाकी सारे जो कलर हैं वो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका जो फोकस है ऑब्जेक्ट पर का वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर प्रो मोड में आपको रॉ और जेपीजी दोनों ही तरह की इमेज आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसकी अगर हम डे लाइट फोटोज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी ही यहाँ पर अमेजिंग सा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप दिन में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप जूम भी करते हैं फोटोज़ को और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पोस्ट प्रोसेसिंग में फोटोज़ को काफ़ी अच्छी तरह से इन्हांस कर लेता है। स्पेशली मुझे 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा जो मेन सेंसर है तो उसकी फ़ोटोज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और इसी के अलावा इसका जो मैक्रो सेंसर है, हालांकि मुझे पहले लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा काम करेगा, लेकिन थोड़े से टेक्स लेने के बाद और थोड़ी सी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। और इसके अलावा इसकी नाइट फोटोज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रियर में काफ़ी अच्छे फोटोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अगर यहाँ पर अच्छी सी डिसेंट लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है नाइट में। लेकिन अगर आप पूरे अंधेरे में मतलब कि एक्सटर्नली डार्क जो एनवायरनमेंट होता है वो प्योर डार्क, तो वहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ उतनी अच्छी नहीं आएंगी, यहाँ पर आपको जिटर्स भी देखने को मिल सकते हैं बीच बीच में। रियर के कैमरा में अगर मैं वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर वीडियो में भी ये जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल HD 1080p तक यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको f1.8 अपर्चर का यहाँ पर जो कैमरा है वो आपको 30 FPS तक रिकॉर्डिंग करने देता है, और यहाँ पर आपको EIS भी देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है उसमें आपको स्टेबिलिटी में भी कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, इतना दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर काफी ही अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए हैं इसके कैमरे के 12,000 के बजट के हिसाब से। और अगर हम इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो ये भी कैमरा है वो आपको काफी अच्छी फोटोज यहाँ पर डिलीवर कर देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जेस्चर वाले। यहाँ पर अगर आप स्माइल करोगे तो भी आपकी फोटो क्लिक हो जाने वाली है, और यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस आते हैं जिनसे आपकी फोटोज भी क्लिक हो जाती है, और वो जो फोटोज आती हैं वो काफी क्रिस्टल क्लियर आते हैं, और यहाँ पर जो आपका स्किन टोन है वो भी काफी अच्छी तरह से मेंटेन रहता है, और इसी की वजह से इसकी जो फोटोज है वो मुझे काफी नेचुरल लगती है। इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काफी अच्छा है, जिसमें आपको एज डिटेक्शन भी काफी ही अच्छी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर ये काफी अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है, और यहाँ पर काफी अगर लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है पीछे की साइड में तो आपका जो व्यूइंग एंगल है तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर आपको बैलेंस कर देता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल यहाँ पर डार्क एनवायरनमेंट में हैं और वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको जिटर्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। सिर्फ मेरी शिकायत एक ही चीज से है कि नाइट में अगर हम सेल्फी उसका जो एक बग है वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर कैमरा ऐप में हम चले जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको सेल्फी मोड में जैसे ही मैं डालता हूँ तो यहाँ पर ये जो आपको फ्लैश दिख रहा होगा तो ये फ्लैश है, इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं मैं इस फोटो को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसकी जो प्रोसेसिंग है उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी लाइनिंग आ चुकी है, जो इसका जो फ्लैश आता है आगे वही इसके लास्ट रिजल्ट में यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है और यहाँ पर कैप्चर होके आपको यहाँ पर दिखता है। तो ये जो बग है तो ये आसानी से फिक्स हो सकता है अपडेट की हेल्प से। इसके रिमेनिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, और इसके साथ ही आपको 33 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, लेकिन फोन सपोर्ट करता है 30 W, तो ये आपका 1 घंटे से ऊपर का टाइम लेगा, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट में ये चार्ज हो जाता है शायद से, मतलब कि ये काफी डिसेंट सा यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी मैं आपको बोलना चाहूंगा। और यहाँ पर 5000 mAh की जो
बैटरी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको बैटरी बैकअप दे देती है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर डे टू डे लाइफ में आपका यहाँ पर एक दिन से ऊपर आपका निकाल देती है। मतलब कि मैं अगर मेरा यूजेज मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है वो मेरा 2 दिन तक आराम से चल जाता है। मतलब कि दूसरे दिन शाम को मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ और यहाँ पर ये 1 घंटा 20 मिनट में चार्ज हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप माना जा सकता है। और यहाँ पर आपको इसी के अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ यहाँ पर 5.2 देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई और 2x2 मीमो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि नेटफ्लिक्स का जो स्ट्रीमिंग सर्विस होता है, मतलब कि OTT का कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस है तो उसमें ये काम आता है, मतलब कि कंटेंट वॉचिंग के लिए है। और इसी के साथ दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ड्यूअल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर अपने कैमराज में देखा ही होगा कि उसका जो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर आपको वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाता है। और इसी के अलावा अगर हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, बहुत ही क्विकली वर्क करता है। और पर इसके फेस अनलॉक को हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये स्लीप मोड में है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर वेकअप कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये अनलॉक हो चुका है। और यहाँ पर दूसरी बार हम इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको वेक किया और ये अनलॉक हो चुका है। इस हिसाब से तो ये काफ़ी कंप्लीट सा फ़ोन है 12,000 के बजट में। अगर आपका बजट 12,000 है या फिर 5,000 भी है तो भी ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, इसके कैमराज भी काफ़ी अच्छे हैं, बैटरी बैकअप वो सब भी काफ़ी अच्छा है, और आपका जो स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा होने वाला है LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है मेरे ख्याल से काफ़ी ही अच्छे डिस्प्ले है इस बजट की कैटेगरी में। मतलब कि अभी 24-25 हज़ार के जो भी स्मार्टफोन आते हैं वो भी अभी तो LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं AMOLED की जगह पर, तो ये तो यार ये 12,000 से भी कम का ये स्मार्टफोन है, तो इससे तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है इसकी डिस्प्ले के हिसाब से, तो ये तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बजट इतना है तो आपको इस स्मार्टफोन को प्रेफर करना चाहिए। एक बग के अलावा इसमें कुछ भी मुझे यहाँ पर बुरा लगा नहीं है, तो वो तो फिक्स भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको AMOLED जैसा एहसास देता है, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिलने वाला है यहाँ पर इसी जगह पर। तो इसका जो हैप्टिक्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये बेस्ट स्मार्टफोन है 12,000 के नीचे के बजट में। हम आ चुके हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं उसी फ़ोन के टैब पर। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये फ़ोन इतना सस्ता कैसे पड़ा है। तो यहाँ पर इसके टैब में यहाँ पर एक्सचेंज का जो सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं एडिट में चला जाता हूँ और यहाँ पर कोई भी मैं स्मार्टफोन ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि Xiaomi का मैं कोई भी आउटडेटेड सा स्मार्टफोन ले लेता हूँ, तो जैसे कि है यहाँ पर 10A जो इसका स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर इसको मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन को मैं फ्लॉलेस पे रख देता हूँ और यहाँ पर इसको पिकअप ओल्ड फोन यहाँ पर उसी दिन पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसी फ़ोन के मुझे 5,950 मिल रहे हैं। तो मेरे फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मेरे फ़ोन के केस में मुझे मिले थे 7,050 मिले थे, तो यहाँ पर इसी फ़ोन के अगर मुझे इतने मिल रहे हैं 5,950, तो यहाँ पर 6,000 आप मानकर चल सकते हैं कि उतने आपको मिलने वाला है, तो उतने को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो कीमत है तो उस पर आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप एक्सचेंज भी करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का शायद से एक एक्सटर्नल डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो उसकी वजह से आपका जो स्मार्टफोन है तो वो आपका 50% डिस्काउंट पे आपको मिलने वाला है, ये आप मानकर चल सकते हैं। मतलब कि 6,000 का डिस्काउंट, मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है वो 5,000 से भी नीचे का आपका हो जाने वाला है, तो ये आप देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये कितनी अच्छी डील है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर, तो इसी के साथ इसकी जो सीक्रेट जो रेसिपी थी जो मंगवाने की या फिर सस्ते में स्मार्टफोन लेने की, तो मैं ये रिवील कर चुका हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ऑफर का सीक्रेट पसंद आया होगा और इस वीडियो को भी आपने पसंद किया होगा।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए कि कौन कौन सी ऑफर्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है और आपको उसका लुफ्त उठाना चाहिए, तो इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा अगर कोई भी 5 सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताते हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला जो घंटा है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय।